निकला जब आप घुसा दिया पकड़ के, इंडिया विन वर्ल्ड कप, इंडिया ने बता दिया कि वो चैंपियन साइड है, इंडिया ने बता दिया कि पहले दिन से चैंपियन टीम थी। एक अनदर एंबैरेसिंग लॉस फॉर साउथ अफ्रीका एंड ऑब्वियसली हिंदुस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है यार। अब हम क्या कह सकते हैं उनकी क्रिकेट के बारे में, अब बॉलिंग उनकी पूरी, बुमराह जैसा खतरनाक बॉलर, आई मीन टोटल डोमिनेशन लाइक ऑल थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। और विराट कोहली को बहुत बहुत मुबारक हो, उसने साबित किया है कि मेरे घंटों निकोबार पकड़ के बजा दिया। कमबैक, अमेजिंग फाइटबैक। गलती हो गई थी रोहित शर्मा से, लेकिन रोहित शर्मा ने फिर उस गलती का अजाला किया, अक्षर पटेल को 15वां ओवर गलत दे दिया। लेकिन पांड्या ने बताया कि ये मुंबई इंडियंस का मैच नहीं हो रहा, मैं मैच जितवा कर जाऊंगा। तो बहरहाल इंडिया के बल्लेबाजों ने अच्छी एफर्ट करी, पहले 10 ओवर, पहले 6 ओवर देख के लग रहा था इंडिया फाइनल हार गया। इंडिया 150 भी कर दे, इंडिया 140 भी कर दे, बहुत ज्यादा होगा। बट विराट कोहली का एंड में गियर चेंज करना, शिवम दुबे का बताना कि भाई मैं खोटा से कहूं बट फाइनल में मैं चलूंगा, और फिर हार्दिक पांड्या का छोटा सा जो केमियो आया बाउंड्री, वो इंडिया को फाइनल जहां तक पहुंचा के ले गया। आज तकदीर भी रोहित के साथ थी, बोल दिया था वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड ये लाइन खोलो यार, वर्ल्ड चैंपियन। अब्बा वर्ल्ड कप जीत गए, अब्बू इन मैच विन, अब्बू इन मैच विन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, भारत का 11 साल का इंतजार खत्म हो गया। भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2024 ट्रॉफी अपने नाम कर ली। आज T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताबी मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया। भारत ने अजय रहते हुए चैंपियनशिप जीती है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और 20 ओवर में 7 विकेट पर 176 रन बनाए थे। जवाब में साउथ अफ्रीका टीम ने 169 रन ही बना सका। वही भारत की हार की दुआ मना रहा पाकिस्तान, टीवी फूटना शुरू हो गया। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। जिन लोगों को कोहली की बैटिंग से दिक्कत थी, जिन लोगों को दीगर मसाइल थे, उन पर पड़ गई लानत, उन पर पड़ गई हाय, और कह दिया इंडिया ने साउथ अफ्रीका को बाय बाय। मेरे पास भी कुछ लोग थे, वो कह रहे थे जय शाह पहुंचे में ये मैच फिक्स है। लेकिन कैसे फिक्स है, किस तरह से फिक्स है, किसके गार्डन में फिक्स है? जीती हुई बाजी पलटी है अर्शदीप ने, बुमराह ने और हार्दिक पांड्या ने। इसे कहते हैं डेथ बॉलिंग। कितनी बार बताया है, वर्ल्ड क्लास रहेगा क्योंकि वो बड़े दिल से, बड़ी ताकत से, पूरी कमर लगा के बॉलिंग करता है जसप्रीत बुमराह। और आप लोगों ने आज देख लिया, तमाशा भी देख लिया, सारी चीजें देख ली, आपको पता चल गया कि भाईजान क्रिकेट का खेल ये अनसर्टेनिटी का खेल क्यों कहलाता है। क्योंकि T20 क्रिकेट में अगर 2-3 ओवर क्लासन ने इधर से उधर कर दिए थे, तो भाईजान 3 ओवर इंडिया ने भी आपके इधर से उधर किए और आप मैच से बाहर हो गए। मैंने आपको कहा था इंग्लैंड नहीं है, साउथ अफ्रीका इस मैच में लड़ाई करेगा, इंडिया को रेगुलर इंटरवेल से विकेट्स लेनी होंगी। तो आपको पता चल गया कि विकेट्स लेते कैसे हैं, परफॉर्म कैसे करते हैं, आउट कैसे करते हैं। उठा ली भाई, अब जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। रोहित शर्मा ने ट्रॉफी उठानी है और उठाने वाला है। मुझे पता है अभी तुम लोग ट्रॉफी उठाने के चक्कर में बेचैन हो गए, लेकिन जो लोग मिड ब्रेक में विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर रहे थे, उन जाहिल के बच्चों को क्रिकेट की कोई समझ ही नहीं है। तुम लोगों को क्रिकेट की कोई अकल ही नहीं है, किसी भी किस्म की कोई अकल नहीं। और क्रिकेट के अलावा बाकी सारी बातें निकलती हैं, सारी खराफातें निकलती हैं, सारी तफरियां निकलती हैं, सारी बच्चोदियां निकलती हैं। इसे कहते हैं कमबैक, सेल्फ बिलीफ। देखें साउथ अफ्रीका को ये बिलीफ था कि वो ये रन चेस कर देंगे, वो खेले एक मेथड से। लेकिन जैसे ही क्लासन की विकेट आई, इंडिया को ये बिलीफ था कि अब अगर हमने 2 विकेटें और ली, यानी कि येंसन और मिलर, इनको सिस्टम से एग्जिट किया, तो फिर मैच हमें रना बॉल पे भी हराना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए और यार मैं क्यूरेटर को कहूंगा कि आपने इस मैच में फाइनल में अजाला कर दिया, बहुत अच्छी स्ट्रिप थी। फास्ट बॉलर अगर मेहनत करे उसके पास सब कुछ था, कोई और मेहनत करे उसके पास सब कुछ था,
कमाल कर दिया, कमाल कर दिया आज इन लोगों ने। इंडिया ने बिलाखिर बहुत अरसे के बाद ट्रॉफी जीती है। 2011 का वर्ल्ड कप था, इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप धोनी के हाथ से आया 2007 में, और अब दूसरा वर्ल्ड कप रोहित शर्मा के हाथ से आया। और हम सब यही बात कर रहे हैं एक अरसे से कि अगर कोई इंसान सबसे ज्यादा डिजर्विंग है कि वो इंडिया के लिए ट्रॉफी जीते, तो यार उसका नाम है रोहित शर्मा। आपके अप्पू ने वर्ल्ड कप जीत लिया, इंडिया विन द वर्ल्ड कप। इंडिया ने 17 सालों के बाद T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। हार्दिक पांड्या यू ब्यूटी, जसप्रीत बुमराह ने जो बॉलिंग की है डेथ ओवर में आ गए। 31 पे 31 चाहिए था, 31 पे 31 चाहिए था। उधर से बुमराह ने आगे जो डेथ बॉलिंग की है उसने पकड़ के बजा दिया साउथ अफ्रीका को। 31 पे 31 चाहिए था, 31 पे 31 चाहिए था। वहां क्लासन खेल रहा था, इंडिया लग रहा था कि अब वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने जो आगे डेथ बॉलिंग की है, जसप्रीत बुमराह ने जो आगे अपनी क्लास दिखाई है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। इंडिया विन द वर्ल्ड कप, इंडिया विन द वर्ल्ड कप, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। अब तो कोई नहीं बोलेगा कि इंडिया चोकर है, इंडिया ये है, इंडिया वो। मेरे घंटे निकोबार पकड़ के बजा दिया। जहां से ये निकले थे वहां घुसा दिया पकड़ के। इंडिया विन वर्ल्ड कप, इंडिया ने बता दिया कि वो चैंपियन साइड है। इंडिया ने बता दिया कि पहले दिन से चैंपियन टीम थी। इंडिया ने बता दिया कि वो पहले दिन से वर्ल्ड कप जीतने आए थे। इंडिया ने बता दिया कि वो पहले दिन से अपना जो वो हिस्ट्री क्रिएट करने आए थे। पकड़ के घुसा दिए, पकड़ के घुसा दिया आज, पकड़ के घुसा दिया आज, पकड़ के घुसा दिया है। पापा वर्ल्ड कप जीत गए, अब्बू इन मैच विन। अब मुझे बताओ जो घंटे के कह रहे थे विराट कोहली बड़ा स्लो खेला है, विराट कोहली इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। चल बेटा इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, पापा वर्ल्ड कप जीत गए, आपके पापा वर्ल्ड कप जीत गए, पापा वर्ल्ड कप जीत गए। घुसा दिया पकड़ के आज। कौन है पापा? पापा कौन है क्रिकेट का? अब्बू कौन है क्रिकेट का? किसके दम पे क्रिकेट चलती है? अब्बू कौन है क्रिकेट का मुझे बताओ ना, कौन है पापा क्रिकेट का? किसके दम पे क्रिकेट चलती है? कौन क्रिकेट को चलाता है? कौन चलाता है क्रिकेट को? पापा कौन है क्रिकेट का? एक फाइनल इज हियर यार, क्या कमाल की पहली इनिंग हुई है। इंडिया बहुत ज्यादा नर्वस लगा, एक बार फिर कोलैप्स हो गया। वो रोहित शर्मा इतनी जबरदस्त फॉर्म अपनी फाइनल में नहीं दिखा पाए। ऋषभ पंत बहुत ज्यादा अनलकी रहा है। सूर्य कुमार यादव द किंग ऑफ T20 फाइनल में नहीं चल पाए, तो चला फाइनल का इंडिया का हीरो, बड़े मैच का हीरो, वर्ल्ड कप का हीरो विराट कोहली। तो आखिरकार विराट कोहली ने इंडिया को रेस्क्यू किया। बहुत सारे लोग कह सकते हैं स्लो खेला, ये खेला, नहीं भाई, फाइनल का स्टेज हो, फाइनल जैसे बड़े स्टेज में विराट कोहली की ये बहुत मैच्योर सेंसिबल बारी इंडिया को यहां पर लेके आई है। उसके साथ इक्वली मैं बोलूंगा अक्षर पटेल, मुश्किल कंडीशन है, विराट कोहली भी स्ट्रगल कर रहा है, बड़े तीन बल्लेबाज चले गए, वहां अक्षर पटेल जैसा बंदा जो कि हालांकि एक ऑलराउंडर है बट आके बल्लेबाजों से अच्छी बल्लेबाजी करते, और क्या कमाल का अक्षर पटेल ने केमियो खेला, और फिर वो खोटा सिक्का जो पूरे वर्ल्ड कप में नहीं चला, शिवम दुबे, उसने भी फाइनल में आके अपना बताया कि भाई चलो मेरे अंदर इतना एक पोटेंशियल है। बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग। इंडिया के प्रस्पेक्टिव से इंडिया ने एक अच्छा टोटल बोर्ड पे सेट कर दिया। इंडिया के बल्लेबाजों ने अच्छी एफर्ट करी, पहले 10 ओवर पहले 6 ओवर देख के लग रहा था इंडिया फाइनल आ गया, इंडिया 150 भी कर दे, इंडिया 140 भी कर दे, बहुत ज्यादा होगा। बट विराट कोहली का एंड में गियर चेंज करना, शिवम दुबे का बताना कि भाई मैं खोटा से कहूं बट फाइनल में मैं चलूंगा, और फिर हार्दिक पांड्या का छोटा सा जो केमियो आया बाउंड्री, वो इंडिया को फाइनल जहां तक पहुंचा के ले गया।